हाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ढेर सारी बातें। आज हम जो साड़ी आपके लिए शोकेस में लाए हैं वो है बाटिक साड़ी। आई एम श्योर आप में से कई लोग जो हैं वो बाटिक की जो डाइंग टेक्निक है उससे फेमिलियर हैं। इसका इजाद कहते हैं कि सबसे पहले इजिप्ट में हुआ कई सेंचुरीज पहले, क्योंकि वैक्स यूज़ किया जाता है इस डाइंग टेक्निक में। एंड इंटरेस्टिंगली उस वक्त वैक्स डाइंग टेक्निक जो मम्मी को रैप करने के लिए जो कपड़ा यूज़ किया जाता था उसमें उसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद ये टेक्निक, क्योंकि इट लीड्स टू लॉट ऑफ कलरफुल फैब्रिक्स, इट सॉर्ट ऑफ स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, टर्की, जापान, चाइना, वेस्टर्न अफ्रीका, इन सब कंट्रीज़ में भी इसके ट्रेसेस जो हैं पाए जाते हैं। हमारा हिंदुस्तान भी ज़्यादा पीछे नहीं है। हिंदुस्तान में बाटिक को लेके काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, साड़ीज, पर्दे, कुशन कवर्स, अ लॉट ऑफ अदर स्टफ़। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शांति निकेतन यूनिवर्सिटी जो है कलकत्ता में, उन्होंने बाटिक एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया था ताकि लोग इसके बारे में समझ सकें, इस टेक्निक को सीख सकें और फिर उसे ज़्यादा प्रचलित कर सकें। और वो हुआ भी। अगर आप कलकत्ता जाएँ या वेस्ट बंगाल जाएँ तो बाटिक से की साड़ीज, बाटिक प्रिंट के कपड़े आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। हिंदुस्तान के अलावा आजकल अगर देखा जाए तो जावा, इंडोनेशिया, श्रीलंका में बाटिक जो है वो बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। आई लाइक बाटिक बिकॉज मोस्टली इट्स डन ऑन कॉटन, लेकिन आजकल जो प्रचलन में देखा जाए तो सिल्क और जॉर्जेट पे भी किया जा रहा है। अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले फैब्रिक को लिया जाता है, जो पैटर्न आप क्रिएट करना चाहते हैं उस पैटर्न को क्रिएट किया जाता है, रंग भरे जाते हैं, फिर उसे वैक्स से कवर कर दिया जाता है। वंस दिस इज डन, द रेस्ट ऑफ द फैब्रिक इज डाइड इन अ कलर ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस साड़ी द पैटर्न मस्ट हैव बीन क्रिएटेड इन पिंक, मस्टर्ड, वाइट एंड अ डल पर्पल, एंड दोज पैटर्न्स मस्ट हैव बीन कवर्ड विद अ कोट ऑफ वैक्स। उसके बाद बाकी पूरी साड़ी को ब्लू कलर में डाई किया होगा। फिर जब वो कलर सेट हो जाते हैं तो हल्के से बॉइलिंग वाटर में डाल के जो वैक्स है वो निकाल दिया जाता है, एंड सच अ ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंटेड टू यू। तो मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बाटिक की, एंड आप लोग भी ज़रूर कोशिश कीजिए। बहुत ही इनएक्सपेंसिव साड़ीज़ हैं ये। मैंने दिल्ली हाट से ख़रीदी थी कुछ 8-10 साल पहले, इफ़ आई एम रिमेंबरिंग करेक्टली, 600 या 700 रुपये की साड़ी थी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। इस प्राइस रेंज में आपको हर कलर, बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइंस वाली साड़ीज़ मिल जाएंगी। माय फेवरेट इज़ एन ऑरेंज दैट आई हैव बीन लुकिंग टू बाय फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, रिसेंटली एक्वायर्ड। तो ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपका कोई दोस्त कलकत्ता जा रहा है या आप जा रहे हैं एनीवेयर इन वेस्ट बंगाल, बाटिक इज समथिंग दैट यू डेफिनेटली शुड पिक फॉर योरसेल्फ। सो दैट्स इट फ्रॉम अस इन दिस एपिसोड। आप बताइए अगर आपने बाटिक साड़ीज पहनी है, खरीदी है, आपको पसंद है, और हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे और एक एपिसोड लेकर ढेर सारी बाटिक। Thank you.